फ्रेंड्स, आज हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट ए का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। राइट द न्यूमेरिकल फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है राइट द न्यूमेरिकल फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। मैंने बोर्ड पर तीन क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट हमारा है 3,04,617, 3,04,617। सेकंड हमारा है 5,38,000, थर्ड हमारा है 6,61,000 और डी पॉइंट हमारा है 83,00,000। डी पॉइंट 83 83,15,006 ये आपको न्यूमेरिकल नेम्स में लिखने हैं। अब फर्स्ट में आपको लिख के बता रहा हूँ 3,04,617, 3,04,617, 617। इससे मतलब हो गया 3,04,617, है ना। तो आपको इस तरीके से लिखना है। सेकेंड है 5,38,000, 5,38,000, ये 5,38,000, 5,38,000, ये आपका हो गया सेकेंड। थर्ड और फोर्थ आपको खुद को करना है, ऐसा कर लूंगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द मिसिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स में क्या करना है, जो नंबर मिस है आपको वो लिखना है। जैसे ये मैं करके बता रहा हूँ आपको, ए में है 3,76,515, 3,76,515, यहाँ से लेकर आपको जो 3,76,525 लास्ट डिजिट आपकी क्या है, फर्स्ट डिजिट आपकी है 515 और लास्ट क्या है आपकी 525। बीच की जो मिसिंग डिजिट है वो आपको इसमें लिखनी है। लास्ट है आपका 3,76,525, 76,525। अब आपको कैसे लिखना है जानिए कि यहाँ पर 515 है तो हम यहाँ लिखेंगे 376,516, 515 के बाद में क्या आता है 516, फिर 376,517, फिर इसके बाद में 376,518, 376,519, 376,520, यानी कि 3,76,520। 20 के बाद में आपको क्या करना है, 3,76,521, फिर आपको क्या करना है
3,76,522, 3,76,523, 3,76,524, आंसर इसमें है 24। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था 3,76,524। ये हमारा हो गया ए पॉइंट्स। इसी तरीके से हमको बी पॉइंट भी लिखना है, सी भी लिखना है, डी भी लिखना है। बी पॉइंट आपको होमवर्क में लिखना है। बी में 5,21,106, 5,21,106, 21,106 से लास्ट डिजिट आपकी ये बी पॉइंट आपको खुद को करना है। अब इसका सी पॉइंट मैं आपको बता दूं, 6,70,111, यहाँ से लेकर हमको लिखना है 117 तक। लास्ट डिजिट हमारा क्या है 17, तो इसके जस्ट आगे क्या आएगा 6,70,114, 6,70,150, 6,70,150, 6,70,116, लास्ट में हमारा क्वेश्चन था 170, 6,70,117, ये आपका हो गया सी। ठीक है, इसके बाद में डी वाला पॉइंट है, ये भी आपको खुद को करना है। 9,34,969, ये आपके फर्स्ट डिजिट है। और 69 से आपको लिखना है 79 तक, लास्ट आपको लिखना है 9,34,979। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कल करा दिया था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आज कराया क्वेश्चन नंबर सेकंड, और अब कराया हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड सुनाया है, थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क कॉपी में करना है, जो ये कराया वो आपको सेकंड कॉपी में करना है। वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर मैंने फर्स्ट कराया, ये आपको सेकंड में करना है, और सी भी आपको सेकंड में करना है, और ये आपको किस में करना है टेस्ट में करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको अपनी कॉपी चेक करानी है। अच्छे अंडरटेकिंग करना है। थैंक यू।